हे वेलकम टू सक्सेस मदर एजुकेशन। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी इस सीरीज में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ जो एसएससी सीजीएल में 1999 से लेकर 2018 तक एंटोनियम्स पूछे गए हैं। तो आपका जो सीजीएल 2019 का एग्जाम होगा, मैंने वादा किया है तब तक हम ये सारे एंटोनियम्स खत्म कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा पार्ट टू कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। पार्ट वन का लिंक इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, वहां पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यदि आप इस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, बस चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लेना है ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हमारे जो चैनल का सब्सक्राइबर गोल हमने रखा है वो है 4 लाख, तो आपसे गुजारिश है जो नए व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा अपेरेंट। अपेरेंट हम किस सेंस में यूज करते हैं? अपेरेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है आपका। देखिए, कोई चीज हमें साफ स्पष्ट दिखती है, जिसका प्रत्यक्ष होता है और हमें साफ साफ समझ में आती है, तो उस सेंस में हम यूज करते हैं वर्ड अपेरेंट, जिसे हिंदी में हम प्रत्यक्ष भी बोलते हैं। बोलते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, अब जो चीज है तो है। तो इसमें हम यूज करते हैं अपेरेंट। इसकी स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, APPERENT। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी इंग्लिश में? क्लियरली विजिबल और अंडरस्टूड, ठीक है। तो यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हर अनहैप्पीनेस वॉज अपेरेंट टू एवरीवन, भाई जो उसकी उदासीनता है वो सबको साफ नजर आ रही थी। अब इसके हम सिनोनिम की बात करें तो इसके क्या सिनोनिम हो सकते हैं? पहला तो है एविडेंट और दूसरा है ऑब्वियस, क्लियर। अब इसका जो एंटोनियम हमसे सीजीएल एग्जाम में दिया गया था आंसर, वो था हिडन। अब देखिए, कोई चीज साफ स्पष्ट हमें नजर आ रही है, ठीक है, तो उसका एक एंटोनियम क्या होगा? हिडन, छिपा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मायोपिक। मायोपिक क्या होता है? देखिए, बायोलॉजी में हम जानते हैं मायोपिक का मतलब वो व्यक्ति होता है जिसे दूर का नजर नहीं आता साफ। बट जब हम वोकैबुलरी के अंदर आ जाते हैं, इंग्लिश के अंदर, मायोपिक हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो कोई भी काम करने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले उसके परिणाम को नहीं सोचता, या मैं कहूँ दूर की नहीं सोचता, दूर दृष्टि उस व्यक्ति के पास नहीं होती, तो उस सेंस में हम यूज करते हैं मायोपिक का। तो यहां पे इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अनेबल टू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन और द वे एक्शन विल अफेक्ट इन द फ्यूचर, भाई भविष्य में उसके क्या परिणाम होंगे, जो वो एक्शन वो ले रहा है, जो कार्य वो कर रहा है, तो उस ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? मायोपिक। और हिंदी में इसे बोलते हैं कम्बीन। सो इसके सिनोनियम क्या हो सकते हैं? पहला तो है अनइमेजिनेटिव, बहुत ही सिंपल है, अनइमेजिनेटिव, जो इमेजिन नहीं कर सकते व्यक्ति, सिनोनियम है इसका। और दूसरा है शॉर्ट साइटेड। तो इसका जो एंटोनियम हमें सीजीएल एग्जाम में दिया गया था, अब देखिए इसका एंटोनियम क्या होगा? जो व्यक्ति दूर की सोच सकता है तो वो क्या होगा? फार साइटेड, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी फार साइटेड की? एबल टू मेक वाइज जजमेंट्स अबाउट द रिजल्ट्स फार इन द फ्यूचर ऑफ एन एक्शन यू टेक नाउ, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपका ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट हम किसे बोलते हैं? भाई हमारे फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा फ्रेंड जरूर होता है जो बहुत ही जिद्दी किस्म का होता है, ठीक है, एक बात पे अपनी अड़ जाए तो वो अड़ा ही रहता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑब्स्टिनेट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अनरीजनेबली डिटरमाइंड स्पेशली टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे एंड नॉट टू चेंज एट ऑल, यानी कि वो बदलने का नाम ही नहीं लेता, डिस्पाइट व्हाट एनीवन एल्स से, तो चाहे उसे कोई भी कुछ कहता रहे बट वो जिद्दी अपनी बात पे अड़ा रहेगा, ढीठ हम जिसे बोलते हैं। तो हिंदी में बोलते हैं जिद्दी, सॉरी हिंदी में बोलते हैं इसको जिद्दी। तो इसके सिनोनियम क्या होंगे? सिनोनियम भी नोट कर लीजिए। पहला तो है स्टबबोन। स्टबबोन बहुत ज्यादा बार सीजीएल एग्जाम में रिपीट हो चुका है, अरे भाई यार चुप हो जा डोगी साहब, आवाज आ रही है। और दूसरा है हेडस्ट्रॉन्ग। तो ये दो सिनोनियम बहुत अच्छे सिनोनियम है। तो इसका एंटोनियम जो हमें एग्जाम में दिया गया था वो था कंफ्यूज्ड, ठीक है। सो कंफ्यूज्ड होगा और कंफ्यूज्ड का मतलब आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका पैनिकी। पैनिकी हम किस सेंस में यूज करते हैं? देखिए, कोई भी ऐसी कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब एकदम से हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और एकदम से हम घबरा जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता क्या करना होता है, जल्दबाजी में हम एकदम से कोई अचानक से सिचुएशन खड़ी हो जाती है और हम क्या हो जाते हैं उस समय में? घबरा जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कई बार आप
ये सिचुएशन होती है, सबके साथ होती है, तो उस सिचुएशन का नाम ही होता है पैनिक। हम बोलते हैं ना भाई पैनिक मत हो यार, काम डाउन, आसानी से पढ़ो या आसानी से करो इस काम को, आसानी से समझो, ठीक है, सो डोंट बी पैनिक। तो इसकी डेफिनेशन होगी फीलिंग और कैरेक्टराइज्ड बाय अनकंट्रोलेबल फियर और एंजाइटी, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं भगदड़। आई स्टार्टेड टू फील पैनिकी एंड ब्रेथलेस, ऐसे आप इसको एग्जाम्पल में यूज कर सकते हैं। और इसके सिनोनियम है टेरिफाइड और अफ्रेड। टेरिफाइड बहुत ज्यादा बार सीजीएल में पूछा जा चुका है। सो एंटोनियम जो हमें एग्जाम में मिला था इसका, वो था काम। अब देखिए ज्यादा भगदड़ होगी तो उसका उल्टा क्या होगा, शांत होना, यानी कि काम, ठीक है। यहां पे मैं एक वर्ड आपको बताना चाहूंगा, काम का एक सिनोनियम होता है ट्रैंक्विल, ये जो एंड में आप देख रहे हो TRANQUIL, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सीजीएल एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और इसी के जस्ट एक साथ वर्ड लिखा हुआ है सेरीन, सेरीन भी पूछा जा चुका है। तो ये दोनों ट्रैंक्विल और सेरीन दोनों क्या हैं, काम के सिनोनियम हैं, ये आप नोट कर लीजिए। देखिए मैं एंटोनियम में जो वर्ड आ रहा है उसके भी सिनोनियम आपको बता रहा हूं, और जो वर्ड मैं आपसे करवा रहा हूं, ठीक है, जिसका एंटोनियम हम ढूंढ रहे हैं उसका भी मैं सिनोनियम करवा रहा हूं। तो देखिए आपके कितने वर्ड कवर हो रहे हैं, कितना बेनिफिशियल वीडियो है ये। नेक्स्ट है आपका फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट हम किस व्यक्ति को बोलते हैं भाई, जो व्यक्ति दूसरों की भलाई का कार्य करता है, परोपकारी हम जिसे हिंदी में बोलते हैं, उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फिलेंथ्रोपिस्ट। ओके, सो इसकी डिफिनेशन क्या होगी, अ पर्सन हु सीक्स टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर्स स्पेशली बाय द जेनरस डोनेशन ऑफ मनी टू गुड कॉजेज। भाई जो दूसरों की भलाई का सोचता है, खास तौर पर जो डोनेशन करके, यानी कि दान करके, पैसे का दान करके, ठीक है। द ट्रस्ट वॉज फाउंडेड बाय एन अमेरिकन फिलेंथ्रोपिस्ट, ऐसे आप इसको एग्जाम्पल में यूज कर सकते हैं। इसके सिनोनियम क्या होंगे, एक अच्छा इसका सिनोनियम है वो है एल्ट्रुइस्ट, ALTRUIST। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है हमारे सीजीएल एग्जाम में, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ये हमारा फिलेंथ्रोपिस्ट का सिनोनियम है, ठीक है। और डोनर, एंटोनियम जो इसका एग्जाम में हमें दिया गया था वो था माइजर, ठीक है। तो माइजर हम किसे बोलते हैं, देखिए मिजर कह लीजिए, माइजर कह लीजिए, जो भी आपको कहना है, प्रोनंसिएशन पे आप मेरी मत जाइएगा, आप वर्ड देखिए, स्पेलिंग देखिए। तो हमाइजर हम उस व्यक्ति को बोलते हैं भाई जिसके पास पैसा तो होता है बट वो मूंजी टाइप का होता है, पैसा खर्च करके राजी नहीं होता, वो अपने पास ही रखता है, पैसा खर्च करने में बहुत कंजूसी करता है वो, ऐसे व्यक्ति को हम माइजर बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी, अ पर्सन हु होर्ड्स वेल्थ एंड स्पेंड्स एज लिटिल मनी एज पॉसिबल, मतलब कि धन का तो इकट्ठा करके रख लेता है वो बट खर्च करता है बिल्कुल थोड़ा। और सिनोनियम माइजर का बहुत अच्छा है एक होर्डर, HOARD, होर्ड आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है क्योंकि आपने कंफ्यूजिंग वर्ड पढ़ा होगा, एक होता है HOARD होर्ड और एक होता है HOARDE होता है शायद उसके पीछे, तो ये दोनों आपस में कंफ्यूजिंग वर्ड हैं, ठीक है। एक होर्ड तो होता है आपका ढेर होना, ये इकट्ठा होना, और एक होर्ड होता है आपका ग्रुप ऑफ पीपल शायद, इसको देखना आप, ये कंफ्यूजिंग वर्ड है। नेक्स्ट है आपका लोक्वेशियस। लोक्वेशियस हम किस व्यक्ति को बोलते हैं, हमारे ग्रुप सर्कल में भाई एक फ्रेंड सर्कल में एक फ्रेंड बहुत जरूर होता है जो बहुत बातें करता है, ठीक है, तो उस व्यक्ति के लिए हम यूज करते हैं लोक्वेशियस, जो बहुत बातें करता है, बातूनी जम जिसे हम बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, टेंडिंग टू टॉक अ ग्रेट डील और टॉकेटिव, बातूनी, ठीक है। तो इसके सिनोनियम क्या होंगे, सबसे पहला तो इसका सिनोनियम जो बहुत ज्यादा बार आप देखोगे जब आप वोकैबुलरी करने बैठोगे सीजीएल के लिए, आपको ये वर्ड मिलेगा गैरुलस, GARRULOUS। एक तो इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, दूसरा इसका मीनिंग। लोकेशियस का सिनोनियम है तो गैरुलस, इस व्यक्ति को बोलते हैं जो बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा बातें करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए। टाकेटिव तो आप सभी जानते हैं, समझ ही जाएंगे इसका वर्ड देख के, टॉकेटिव यहां बात करने वाला। एक है वर्ड गैबी, ये गैबी नोट कर लीजिए आप, GABBY, गैबी। ओके, तो इसका एंटोनियम जो हमें एग्जाम में दिया गया था वो था टेसिटर्न। टेसिटर्न हम उस व्यक्ति को बोलते हैं जो बहुत कम बात करता है, मतलब कि अपनी फीलिंग्स जो होती हैं, अपनी सोच जो होती है, वो दूसरों को बताता ही नहीं है। टेसिटर्न
टर्म एक कंजर्वेटिव टाइप व्यक्ति होता है जो अपने में ही रहता है, टेंडिंग नॉट टू स्पीक मच, ज्यादा नहीं बोलता। और टैसिटर्न के मैं सिनोनियम आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे एक है आपका रेटिसेंट, ये वर्ड है रेटिसेंट। मैं देखिए आपको ये क्यों बता रहा हूं कि ये सीजीएल में ज्यादा बार पूछा गया है, क्योंकि भाई मैं सारे वर्ड से गुजर चुका हूं, सारे वर्ड मैंने पढ़े हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आपको सारे वर्ड पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, निचोड़ मैं आपको बता रहा हूं, वो नोट करते जाइए, आपको बहुत फायदा होगा। रेटिसेंट, RETICENT, रेटिसेंट, ये वर्ड नोट कर लीजिए। ये टेसिटन और रेटिसेंट दोनों एक दूसरे के सिनोनियम है, बट ये दोनों एंटोनियम है किसके, लोकुएशियस के। नेक्स्ट है आपका कंबरसम। कभी कभी आपने लाइफ में सिचुएशन आती है कि कोई भी एक ऐसी चीज होती है जो बहुत ही भारी भरकम होती है, जिसे हम कहीं नहीं ले जा सकते, जिसे ले जाने में हमें बहुत कठिनाई होती है, तो उस चीज के लिए हम यूज करते हैं वर्ड कंबरसम। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, लार्ज और हैवी एंड देयर फोर डिफिकल्ट टू कैरी और यूज, कि कोई भी ऐसी बहुत बड़ी चीज, बहुत ही हैवी चीज, जिसको कैरी करने में हमें क्या हो, परेशानी हो, ले जाने में परेशानी हो, और उसका इस्तेमाल करने में भी परेशानी हो, उसे हम बोलते हैं कंबरसम, और हिंदी में बोलते हैं इसको बोझिल। ओके, तो इसका सिनोनियम जो होगा, एक तो होगा इसका अनवाइल्डली, और दूसरा है आपका अनमैनेजेबल। ये दो सिनोनियम है इसके। एग्जाम में जो इसका एंटोनियम आया था हमारा, वो था कन्वीनियंट। अब देखिए कन्वीनियंट हम किसको बोलते हैं, जिसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं, आसानी से यहां वहां ले जा सकते हैं, उसे हम बोलते हैं कन्वीनियंट। इसकी डेफिनेशन होगी सुटेबल फॉर योर पर्पसेस एंड नीड्स एंड कॉजिंग द लीस्ट डिफिकल्टी। कन्वीनियंट का सिनोनियम है आपका फेवरेबल एंड हैंडी। हैंडी अच्छा सिनोनियम है और फेवरेबल भी। सबलाइन, सबलाइन का क्या मतलब होता है, देखिए कोई हमारी सिचुएशन आती है डेली लाइफ में, कुछ इतनी कोई सुंदर चीज हमें दिख जाती है, तो देख के हमारा दिल खुश हो जाता है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा आनंदित हम उठते हैं उस चीज को देख के, तो उसके लिए हिंदी में एक वर्ड होता है उत्कृष्ट। ठीक है, तो वो होता है आपका सबलाइन। इस सेंस में हम इस वर्ड को यूज करते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी, एक्सट्रीमली गुड, ब्यूटिफुल और एंजॉयबल। द बुक हैज सबलाइम डिस्क्रिप्टिव पेजेस, पैसेज सॉरी। तो देखिए इस तरीके से आप इसको एग्जाम्पल में यूज कर सकते हैं। सिनोनियम इसके क्या है, एक तो है आपका ग्लोरियस और एक है आपका एम्प्रियल, ये दोनों सिनोनियम है सब्लाइम के। एंटोनियम जो हमें एग्जाम में दिया गया था इसका, वो था इन्फीरियर। इन्फीरियर आप सभी जानते हैं क्या होता है, कोई भी घिसी पिटी वस्तु जिसको हम अधिकतर यूज नहीं करते, इन्फीरियर कहलाती है वो। नॉट गुड और नॉट एज गुड एज समवन और समथिंग एल्स। ठीक है, लैकेडेसिकल का मतलब क्या होता है, देखिए एक सिचुएशन आप समझिए, मान लीजिए कोई एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत ही अच्छा वहां पे खाना बनता है, और आप खाना खाने के लिए जाते हैं। ठीक है, जब खाना बन के आता है, बट जो सर्व करने वाले व्यक्ति होते हैं ना, उनके मन में कोई उत्साह ही नहीं होता कि वहाँ इतने अच्छे रेस्टोरेंट पे वो काम कर रहे हैं, ठीक है, इतनी बढ़िया उनको सर्विसेज देनी चाहिए। तो जो सर्विस देते हैं वो बड़ा अनएथेस्टिक देते हैं, मतलब उन्हें एनर्जी नहीं होती, कोई चाव नहीं होता उनके अंदर, तो वो जो सिचुएशन होती है ना, उसको हम बोलते हैं लैकेडेसिकल। ओके, सो इसकी डेफिनेशन होगी शोइंग लिटिल एंथुजियाज्म एंड एफर्ट, और इसके सिनोनियम होंगे आइडल, और इसका एंटोनियम जो हमें एग्जाम में दिया गया था सॉरी वो था आपका एक्टिव। ठीक है, सो ये आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कर्सरी। कर्सरी हम किसे बोलते हैं, भाई मान लीजिए कई बार आपके साथ सिचुएशन हुई होगी, आपको सर को हम कोई असाइनमेंट दिखाते हैं हमारे कॉलेज में या स्कूल में, किसी मास्टर को दिखाते हैं, या फिर अपने बॉस को कोई, आप कोई प्रेजेंटेशन आपनी दिखाते हैं, तो बॉस या स्कूल या टीचर जो भी उसको जो है सिर्फ ऊपर से नज़र से 2-3 लाइनें पढ़ के बोल देता है, अपना डिसीजन ले लेता है, तो वो जो ऊपर से 2-3 लाइनें पढ़ता है उसको हम बोलते हैं क्या, सरसरी नज़र बोलते हैं ना, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं कर्सरी। ओके, उसको डीपली नहीं पढ़ता, तो इसकी डिफिनेशन होगी क्विक एंड प्रोबेबली नॉट डिटेल्ड, और इसके सिनोनियम है आपका पर फंक्शनरी। बहुत अच्छा सिनोनियम है, इसको नोट कर लीजिए, कर्सरी का सिनोनियम है पर फंक्शनरी। ओके, और इसका जो एंटोनियम हमें एग्जाम में दिया गया था वो था थोरो। अब कोई चीज हम डीपली पूरा अंदर से पढ़ते हैं तो उसे यूज करते हैं हम थोरो। ठीक है, डिटेल्ड एंड केयरफुल, ये डेफिनेशन है थोरो की, डिटेल्ड एंड केयरफुल, तो सिनोनियम थोरो का अब केयरफुल हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका इंसोलेंट। इंसोलेंट किसके लिए यूज करते हैं भाई? अक्सर एक छोटा बच्चा होता है जो क्या होता है, बड़ों की बात नहीं मानता, बड़ों से जो उसका बिहेवियर ठीक नहीं होता और बड़ों से अच्छे तरीके से वो बात नहीं करता, तो ऐसा जो रूड बिहेवियर होता है, वो जो रूड बच्चा होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंसोलेंट। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन यहाँ पे बनेगी रूड एंड नॉट शोइंग रिस्पेक्ट, और सभ्य हिंदी में इसका मतलब होता है। और जो इसके सिनोनियम है वो है डिसरिस्पेक्टफुल, और दूसरा है इम्प्यूडेंट। बहुत अच्छा है इम्प्यूडेंट, एग्जाम में पूछा जा चुका है 3-4 बार इम्प्यूडेंट। ठीक है, और जो इसका एंटोनियम हमें दिया गया था एग्जाम में वो था हम्बल। अब जो व्यक्ति विनम्र होता है तो उसे जाहिर सी बात है वो क्या होगा, एंटोनियम होगा इंसोलेंट का। सो हम्बल होगा यहाँ पे। हम्बल की डेफिनेशन होती है नॉट प्राउड और नॉट बिलीविंग दैट यू आर इंपॉर्टेंट, मतलब कि हम पूरा विनम्र बन जाते हैं। सिनोनियम होता है हम्बल का, एक तो होता है आपका मोडेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैप्रिशियस। कैप्रिशियस हम किस व्यक्ति को बोलते हैं? जो सनकी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैप्रिशियस। सो कैप्रिशियस की डेफिनेशन क्या होगी? चेंजिंग मूड और बिहेवियर सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, सो इसके लिए हम यूज करते हैं कैप्रिशियस। कैप्रिशियस का सिनोनियम है आपका अनप्रेडिक्टेबल एंड फ्रीकिश। अनप्रेडिक्टेबल दोहराया जा चुका है सीजीएल एग्जाम के अंदर, पैसेज के अंदर कई बार ये पूछा जा चुका है वर्ड आपका, जो पैसेज दिए होते हैं ना उनमें वर्ड जो दिया होता है बोल्ड करके, उसमें कई बार पूछा गया अनप्रेडिक्टेबल, एज ए वोकेबलरी भी और एज ए फिल इन द ब्लैंक भी, जो हमारे क्लोज टेस्ट होते हैं उनमें भी यूज किया जा चुका है अनप्रेडिक्टेबल। सो इसका जो एंटोनियम हमें एग्जाम में दिया गया था वो था सर्टेन। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप। और सर्टेन आप सभी जानते हैं, सर्टेन की डेफिनेशन क्या होगी? हैविंग नो डाउट और नोइंग एग्जैक्टली दैट समथिंग इज ट्रू और नोन टू बी ट्रू और करेक्ट, एग्जैक्ट और इफेक्ट। भाई सर्टेन का मतलब जो क्या है चीज। ठीक है, अब उसके लिए आपको कोई मन में डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि भाई ये समथिंग कुछ एग्जैक्ट सर्टेन को, अब सर्टेन की क्या डेफिनेशन बताएं? हाँ, कई बार हमें ऐसा होता है ना कि जो वर्ड हम डेली लाइफ में यूज करते हैं छोटे छोटे, जब बात उसकी एक्सप्लेन करने पे आ जाती है तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बट फीलिंग हम समझते हैं कि उस वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सर्टेन आप सभी जानते हैं। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मिनिएचर। मिनिएचर का मतलब क्या होता है? मिनिएचर का मतलब भाई बिल्कुल छोटा सा, लघु, जिसे हिंदी में हम लघु बोलते हैं। ठीक है, सो मिनिएचर का मतलब होता है, और इसकी डिफिनेशन होती है यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज वेरी स्मॉल कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी एक बहुत छोटी सी कॉपी, अरे खिलौना टाइप हम जिसको बना देते हैं यार, उसे हम बोलते हैं मिनिएचर। और इसका सिनोनियम भी है टॉय। टॉय क्या होता है? खिलौना। एंटोनियम क्या होगा इसका? लार्ज, ऑफकोर्स लार्ज होगा। नेक्स्ट है आपका ऑमिट। ऑमिट क्या होता है भाई? कोई भी चीज हम जो है इंक्लूड नहीं करते, चाहे कोई हम लिस्ट बना रहे हैं स्टूडेंट्स की, कुछ स्टूडेंट्स के नाम इंक्लूड करते हैं, कुछ स्टूडेंट के हम निकाल देते हैं, नाम इंक्लूड नहीं करते, तो उस सेंस में हम वर्ड यूज करते हैं ऑमिट। ठीक है, सो ऑमिट की डेफिनेशन होती है टू फेल टू इंक्लूड और डू समथिंग, छोड़ देना। अरे भाई इतनी तेज कौन बाइक चलाता है, छोड़ देना। ओके, सो यहां पे जो इसके सिनोनियम है ऑमिट के, एक तो है आपका टेक आउट, एलिमिनेट और एक्सक्लूड। बहुत ही अच्छे सिनोनियम है ऑमिट के, ये नोट कर लीजिए। अब इसका एंटोनियम जो हमें एग्जाम में दिया गया था वो था इंक्लूड। भाई कोई चीज हम अब उन सारे स्टूडेंट के नाम सीधे हम लिस्ट में इंक्लूड करते हैं, ठीक है, लिस्ट में जोड़ लेते हैं, तो वो क्या होता है? इंक्लूड करना। रेटिसेंट। रेटिसेंट मैंने आपको बताया था क्या होता है। ठीक है, जो व्यक्ति कम बात करता है उसके लिए हम रेटिसेंट का यूज करते हैं, और इसके सिनोनियम मैंने बताया था अनटॉकेटिव और टेसिटन। एंटोनियम जो हमें एग्जाम में दिया गया था वो था कम्युनिकेटिव। क्लियर? कम्युनिकेटिव हम किसी को बोलते हैं? विलिंग टू टॉक टू पीपल एंड गिव देम इंफॉर्मेशन, जो लोगों से बात करना चाहता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेटिव। नेक्स्ट है आपका एगोनी। एग्नी क्या होता है? एग्नी हम जो पीड़ा होती है, दर्द होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एग्नी बोलते हैं, और इसकी जो डेफिनेशन है वो है एक्सट्रीमली फिजिकल और मेंटल पेन और सफरिंग।
ठीक है। सो इसका जो सिनोनियम है वो है आपका हर्ट, हर्ट, टॉर्चर, टॉर्मेंट, सफरिंग। सफरिंग और हर्ट दोनों सिनोनियम अच्छे हैं एगोनी के। और इसका जो एंटोनियम हमें एग्जाम में दिया गया था वो था प्लेजर, क्या होता है, आनंद, खुशी जिसे हम बोलते हैं, तो ठीक उल्टा है एगोनी का। क्लियर। प्लेजर के सिनोनियम्स आप एक कर लीजिए, एक तो होता है डिलाइट, अच्छा सिनोनियम है प्लेजर का। नेक्स्ट है आपका एफ्लुएंस। एफ्लुएंस किसको बोलते हैं हम, जो देखिए हमारे कुछ फ्रेंड सर्कल में होते हैं या हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं जिनके पास अच्छा पैसा होता है, ठीक है, अच्छी चीज़ें होती हैं, रहन सहन के अच्छे इक्विपमेंट होते हैं, अच्छी फैसिलिटी होती है उनके घर में, तो वो क्या होते हैं, एक तरीके से हम उनको बोलते हैं समृद्ध व्यक्ति, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड एफ्लुएंस। तो इसकी डेफिनेशन है द स्टेट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ मनी और ओनिंग मैनी थिंग्स, उसके लिए हम यूज करते हैं एफ्लुएंस। और इसका सिनोनियम है आपका वेल्थ, रिचनेस, वेल्दीनेस, ठीक है। रिचनेस अच्छा सिनोनियम है एफ्लुएंस का। एंटोनियम जो इसका, अब देखिए अमीर है जाहिर सी बात है, उल्टा क्या होगा, गरीब होगा उसका एंटोनियम, तो गरीब होगा, पॉवर्टी, सॉरी सॉरी, हाँ पॉवर्टी। अब यहाँ पे सिनोनियम एक पॉवर्टी का मैं आपको बताना चाहूंगा जो काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। एक तो है आपका वर्ड पॉपर, पी ए यू पी ई आर, पॉपर होता है कंगाल व्यक्ति। एक होता है पेन्यूरी, पी ई एन यू आर वाई, पेन्यूरी, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। और एक वर्ड हो गया तीसरा डेस्टिट्यूशन। जब आप वोकेबलरी एसएससी सीजीएल की करने बैठोगे तब मेरे को बताना पॉपर, पेन्यूरी और ये डेस्टिट्यूशन बहुत ज्यादा बार रिपीट हुए हैं तीन वर्ड ये, जो कि किसके सिनोनियम है, पॉवर्टी के सिनोनियम है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रूडेंट। प्रूडेंट हम कौन से व्यक्ति को बोलते हैं भाई, आपने कभी कोई पॉलिसी ली है, ठीक है, आपने कितनी ध्यान से उसके रूल पढ़े हैं बताइए मेरे को। देखिए प्रूडेंट एक, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान ले कोई एक ऐसा व्यक्ति कोई मान ली पॉलिसी लेता है, तो उससे पहले वो क्या देखता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को बहुत केयरफुली पढ़ता है और उसके इफेक्ट क्या होंगे फ्यूचर में वो भी सोचता है, तब जाके वो पॉलिसी लेता है। तो यानी कि एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो केयरफुली एग्जामिन करता है हर एक चीज़ को और उसके आगे जो परिणाम के बारे में भी सोचता है, ठीक है, जो डिसीजन लेता है हर एक चीज़ को ध्यान में रख के लेता है, यानी कि वो एक क्या होता है, समझदार व्यक्ति होता है, उसे हम बोलते हैं प्रूडेंट, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन है केयरफुल एंड अवॉइडिंग रिस्क, और जिसे हिंदी में हम बोलते हैं विवेकी, यानी कि जो अपने विवेक का इस्तेमाल करके डिसीजन लेता है। इसके सिनोनियम है एक तो है आपका जुडिशियस, बहुत ज्यादा बार रिपीट हो चुका है वर्ड जुडिशियस, विवेकशील हिंदी में हम बोलते हैं इसको जुडिशियस। और एक है आपका प्रूडेंशियल और एक वाइज, तीन, ठीक है। एंटोनियम जो एग्जाम में हमें दिया गया था वो था अनवाइज, तो भाई समझदार का उल्टा क्या होगा, असमझदार, ठीक है, स्टूपिड, फुलिश। नेक्स्ट है आपका ग्रूसम। ग्रूसम कोई भी ऐसी भद्दी चीज जो होती है उसे हम ग्रूसम बोलते हैं। और जनरली हम ग्रूसम को किस सेंस में यूज करते हैं कि जनरली जैसे हमने अखबार वगैरह में पढ़ा हुआ कि एक भयंकर जो हादसा हो गया, एक भयंकर मर्डर हो गया, ठीक है, इस तरीके से अभी पढ़ते हो, तो वहां पे उस सेंस में ये यूज किया जाता है वर्ड ग्रूसम, ठीक है। इसकी डेफिनेशन होती है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट एंड शॉकिंग एंड यूजली डीलिंग विद डेथ और इंजरी, इसके लिए हम यूज करते हैं ग्रूसम, और हिंदी में इसे हम बोलते हैं भयंकर। सिनोनियम है इसके, एक बहुत अच्छा सिनोनियम है इसका, एग्जाम में पूछा जा चुका है सीजीएल में, वो है घेस्टली, GHASTLY, घेस्टली, ओके। और मैकैब्रे भी कितनी बार पूछा जा चुका है सीजीएल एग्जाम में, मैकैब्रे। इसका एंटोनियम जो हमें दिया गया था वो था ग्रेशियस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एनिग्मा, से वर्ड बना है एनिग्मेटिक। सो एनिग्मेट, एनिग्मा क्या होता है, पजल, पहेली, ठीक है। सो एनिग्मेटिक क्या होगा, जो चीज हमें आसानी से समझ ना आए देखने से या एग्जामिन करने से, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एनिग्मेटिक। इसकी डिफिनेशन यहाँ पे होगी समथिंग दैट इज मिस्टीरियस एंड सीम्स इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड कंप्लीटली, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में रहस्यपूर्ण। सिनोनियम है इसका, पहला है इनकॉम्प्रिहेंसिबल, कौन, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, और पजलिंग, एनिग्मेटिकल।
एंटोनियम जो इसके एग्जाम में आया था वो था सिंपल, यानी कि सिंपल जो वर्ड है वो क्या है, एंटोनियम है एनिग्मेटिक का। कैलोस, कैलोस का क्या मतलब होता है भाई? एक आपने वर्ड सुना होगा कि कुछ व्यक्ति ना पत्थर दिल होते हैं, जो दूसरों की सिंपैथी की कदर ही नहीं करते, ठीक है? तो उसके लिए हम यूज करते हैं, जिसे हम क्रूल टाइप व्यक्ति जो होते हैं ना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये वर्ड कैलोस। तो इसकी डेफिनेशन है अनकाइंड, क्रूल एंड विदाउट सिंपैथी और फीलिंग फॉर अदर पीपल, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं कठोर। इसका जो सिनोनियम है वो है इंडुरेट और इनसेंसिटिव, इंडुरेट और इनसेंसिटिव। जो इसके एंटोनियम एग्जाम में दिया गया था हमें वो है सेंसिटिव, ठीक है? इलिसिट, इलिसिट क्या होता है? जो भी कार्य, कोई भी ऐसी चीज जो समाज जिसकी परमिशन नहीं देता, जो समाज जिसको नकारता है, ठीक है, जो इलीगल होती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं इलिसिट। सो इसकी डेफिनेशन है इलीगल और डिसप्रूव्ड बाय सोसाइटी, अवैध हम जिसे बोलते हैं हिंदी में। इसके सिनोनियम है, एक तो है आपका अनलॉफुल और एक है आपका एक्स्ट्रा करिकुलर, अनलॉफुल एंड एक्स्ट्रा करिकुलर। इसका जो एंटोनियम एग्जाम में आया था वो था आपका लॉफुल, लॉफुल यानी कि वैध, अवैध और वैध दोनों एक दूसरे के एंटोनियम्स हैं। अच्छा, लॉफुल का एक आपका सिनोनियम है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है सीजीएल में लेजिटिमेट। तो ये था आपका दूसरा सेट एंटोनियम्स का। देखिए, नाम का एंटोनियम का सेट है, लेकिन मैं आपको साथ में सिनोनियम्स भी करवा रहा हूं, प्लस एंटोनियम के भी सिनोनियम करवा रहा हूं, प्लस में जो वर्ड कर रहे हैं उसका भी मैं सिनोनियम करवा रहा हूं। तो ये डबल बेनिफिशियल हो गई आपके लिए वीडियो। बस इसको लाइक मैं आपसे मांगता हूं, कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। शुक्रिया।